नमः शिवाय। बच्चों, अब तक हम सीखे कि वाक्य क्या है और उसके अंग के विषय में। अब हम सीखेंगे वाक्य कितने प्रकार के हैं। वाक्य दो प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर को 8 भागों में बांटा गया है। हमारे सिलेबस में रचना के आधार पर नहीं है, इसीलिए हम लोग केवल अर्थ के आधार पर को ही पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर को 8 भागों में बांटा गया है। क विधानवाचक वाक्य, ख निषेधवाचक वाक्य, ग प्रश्नवाचक वाक्य, घ विस्मयादि वाचक वाक्य, अंग आज्ञावाचक वाक्य, च इच्छावाचक वाक्य, छ संकेतवाचक वाक्य, ज संदेहवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य को अब हम लोग एक एक को अलग अलग से उसके विषय में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जानकारी प्राप्त होने का मतलब जो सिंपल सेंटेंस, जो सीधा बताया जाता है, जिसके द्वारा किसी बात के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जैसे दीपा क्रिकेट खेलती है, अंजलि पुस्तक पढ़ती है, सुबह सूरज उगता है, इस प्रकार के वाक्य जो है यह विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दो नंबर निषेधवाचक वाक्य, निषेध मतलब मना करना, कोई काम न करना, जिससे किसी काम के न होने की बात कही गई हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अंजलि पुस्तक नहीं पढ़ती है, माने वो नहीं पढ़ती है, उसे पढ़ नहीं रही है, इसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर न या नहीं शब्द का प्रयोग होता है। रमेश खाना नहीं खाया। तीन नंबर प्रश्नवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में किसी कार्य के संबंध में कोई प्रश्न किया जाता है। जैसे क्या अंजलि पुस्तक पढ़ती है, और साथ साथ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाता है, तुम्हारा नाम क्या है। जब किसी को कोई प्रश्न किया जाता है तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चार नंबर विस्मयादिवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य में हर्ष, हर्ष माने आनंद, शोक मतलब दुख, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं। माने जो बोलने से तुमको घृणा होगा, जो सुनने से तुमको दुख होगा, ऐसा कोई शब्द जिसमें तुमको आनंद आएगा, इस प्रकार के शब्द को हम लोग विस्मयादिवाचक शब्द कहते हैं। जैसे आहा, और विस्मयादिवाचक में ये चिन्ह भी लगाया जाता है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, ओहो कितनी ठंडी रात है। उसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य, यह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा माने आदेश, हाँ, जैसे अर्थात अथवा प्रार्थना मतलब किसी को रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो। उसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, दीर्घायु माने लंबी उम्र, नव वर्ष मंगलमय हो, यहाँ इच्छा आशीर्वाद या आकांक्षा प्रकट हो रही है। इसके बाद संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात एक वाक्य का पूरा होना और एक वाक्य पर डिपेंड करता है। जैसे अगर राजेश पढ़ता तो पास हो जाता, माने राजेश पढ़ा नहीं इसलिए पास नहीं हुआ, तो पढ़ा नहीं ये बात और पास नहीं हुआ ये बात उससे उसने पढ़ा नहीं इस पर डिपेंड कर रहा है। यदि तुम मेहनत करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, वो भी इसी तरह है, मुझे तब अच्छा लगेगा जब तुम मेहनत करोगी। तो एक बात दूसरी बात पर, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है, इसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्य में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह इधर आया, शायद उसने काम कर लिया, माने काम होने का संदेह हो, संदेह माने हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, इसके लिए शायद अगर
हो सकता है, इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। ओम नमः शिवाय।